ये है ASI अरविंद कुमार, ये है ASI। ये देखिए, अरे गलती नहीं किया है तो काहे पैर पकड़ रहे हैं। दोस्तों, पुलिस की तानाशाही और उनकी वर्दी की गर्मी तो आप जानते ही होंगे। कब किस पर इनके डंडे बरस जाएं कुछ पता नहीं रहता, हर कोई इनसे खौफ खाता है। लेकिन यही पुलिस वाले कभी कभी ऐसे कारनामे कर देते हैं जिससे हंसी रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज हम आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी भी ना रुक पाएगी। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आते हैं ये पुलिस वाले चचा, जो चश्मा पहने हुए एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर लग रहे हैं, लेकिन इन जनाब ने तो पुलिस वालों के छुपे हुए अलग ही चेहरे को निकाल के दिखा दिया। असल में साफ साफ कहा जाए तो चचा का बुढ़ापा आया है बस, लेकिन जवानी अभी भी कायम है। वो ऐसे इन्होंने बिना बात कहीं एक लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। भाई अब वर्दी की गर्मी है, कहीं ना कहीं तो दिखे ही हैं। लेकिन जब गौर फरमाया गया तब पता चला कि ये जना भैया पौवा टिकाए हुए हैं और नशे के रंग में झूम रहे हैं। लगे हाथ भाई साहब की बातें भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये है समाजवादी पार्टी का इसका हो? मैं समाजवादी का हूं। आप एक सरकारी नौकर हो के भले हो, लेकिन मैं समाजवादी का हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं समाजवादी का हूँ। जो आपको साइकिल मिली है क्या उसी की खुशी में आपने आज पी है? मैंने पिया नहीं हूँ। आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं सरकार के द्वारा? जनाब बता रहे हैं मैं डरता नहीं हूँ, मैं समाजवादी हूँ। वाह चचा, गजब के बंदे हो तुम। बताया जा रहा है ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है और इनका नाम लाला रथ यादव बताया गया है। नंबर टू, दोस्तों अब जो हम आपको इन पुलिस वालों की हरकतें दिखाने वाले हैं ना, उसको देखकर तो भाई साहब आपका मन भी झूम उठेगा। देखिए इन दोनों पुलिस वाले को जो मस्त होली के रंगों से लाल पीले होकर अपने मौसम को रंगीन कर रहे हैं, ये नीचे वाले भाई साहब ने तो इतनी चढ़ा रखी है कि कार का सहारा लेकर हाथों से ठुमके मार रहे हैं। वाह भाई वाह। और जरा कार पर बैठे हुए इन भाई साहब को तो देखिए, क्या मस्त नाप तोल के पेग बना रहे हैं। सही है, लगे रहो। अब भाई पूरा देश होली मना रहा है तो ये कहां रहने वाले हैं पीछे? इन्हें भी तो रंगीन होना बनता ही है ना। जरा सुनो तो सही जनाब, ये क्या कह रहे हैं? ये पुलिस का त्योहार है भाई, हम ड्यूटी भी करेंगे और अपना त्योहार मनाओगे। अरे नमक दे लेकिन भाई साहब को तो अभी से नमक की जरूरत पड़ गई। सही है, वर्दी वालों लगे रहो। नंबर थ्री, अब दोस्तों ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि इन पुलिस वालों की तानाशाही आम जनता पर तो दिखना आम बात हो गई है, चाहे वो गरीब सब्जी वाले हों या फिर रिक्शे चलाने वाले। किसी की हिम्मत नहीं होती कि इनसे पैसे मांग लें। कुछ ऐसा ही यहाँ होने वाला था, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, बताने में मजा नहीं आएगा, आप देख ही लीजिए। मैडम की बातें तो सुनो। किराया नहीं दोगे आप इनका? किराया नहीं होता क्या पुलिस वालों का? भाई तो नहीं नहीं नहीं, मतलब एक बात बताओ ना, आप पुलिस में हो, इसका तेल लगा है तो आप किराया नहीं दोगे क्या? क्या रही है कि हर किसी का किराया देकर चलूं? पर मैडम जी यहाँ क्या हो गया आपको? मैडम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। बहुत सही, आपको बताएं ये वीडियो हरियाणा का बताया जा रहा है। वैसे आप पहली बार पुलिस वालों की बैंड बजते हुए देख रहे हैं है ना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आगे तो आपको वीडियो दिखाने वाले हैं वो जिन्हें देखकर आपकी हंसी ना रुकने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर, अरे भैया ये देखो, जरा पैसा ही पैसा, लेकिन ये तो पटना पुलिस की गाड़ी है। इतना पैसा गाड़ी में, कुछ तो गड़बड़ है, दया चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस कहानी के हीरो हैं ये जनाब, अरे मेरा मतलब है ये पुलिस वाले अफसर। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है, अक्सर पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं, यहाँ तो खुद पुलिस वाले को पकड़ लिया गया। असल में ये यहाँ रात में ओवरलोड गाड़ियों को पकड़कर उनसे पैसा ऐंठने का काम कर रहे थे। देखिए जरा पुलिस वाले भाई साहब को तो पैर पकड़ने की नौबत आ गई यहाँ। ये हम लोग अभी अभी कोई नहीं बोलेगा, ये हम लोग
मसौढ़ी थाने के क्षेत्र में है। ये देखिए, आपकी सेवा में पटना पुलिस हमेशा हाजिर। अंडरलोड गाड़ियों से 50-50, 100-100 रुपया लिया जा रहा है। ये हाईवे है, ये दिख रहा है ना, ये हाईवे। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जाती है उन सभी गाड़ियों से पैसा लिया जाता है। उनसे पैसा लिया गया है 50-50 रुपया, और ओवरलोड गाड़ी से 200-200 रुपया लेकर उसको अंडरलोड बनाया गया। ये है ASI अरविंद कुमार, ये है ASI। ये देखिए, अरे गलती नहीं किया है तो काहे पैर पकड़ रहे हैं अरविंद जी? अरविंद भागे। ये देखिए ये भाग रहे हैं। ये देखिए पीछे नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये देखिए बेहूता। ये देखिए पुलिस वाले भाग रहे हैं। देखा इन कैमरामैन ने तो इन पुलिस वालों की हवा ही टाइट करके रख दी है। बेचारा पुलिस वाला सोच रहा होगा क्या समय आ गया है, अब तो पुलिस की वर्दी में भी गर्मी ना रही। नंबर 5 दोस्तों, आइए अब एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश की सैर करवाते हैं। इस गाड़ी में दिन दहाड़े बेखौफ 4 पुलिस वाले मस्त नशा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये चारों ऑन ड्यूटी हैं और बाजार के बीचों बीच गाड़ी को खड़ा करके मस्त मौसम बनाने में लगे हैं। लेकिन इनके रंग में भी भंग मिलाने के लिए आ गया है ये कैमरामैन। अब इन 4 लोगों से जब पूछा गया कि क्यों ये ऑन ड्यूटी, क्या चल रहा है, तब बाकी तीनों तो शांत रहे, लेकिन यहाँ बैठे चुलबुल पांडे, मेरा मतलब ये पुलिस वाले भैया को ज्यादा ही चिनकी चढ़ गई है। नशे में मदहोशी में कह रहे हैं जो करना है कर लो, नंबर लिख लो गाड़ी का। आप भी सुनो तो बियर पियोगे? अरे हम कौन बियर पी रहे हैं? और क्या है, नशे में नहीं हो आप? अरे नहीं, आप मुझसे बोल रहे हो कि नंबर लिख लो गाड़ी का, आप बियर पियेंगे खुलेआम यहाँ पर इसीलिए ड्यूटी कर रहे हो? देखा चचा ने इतनी पी रखी है कि अब तो बोला भी ना जा रहा इनसे। दोस्तों आगे भी हम आपको ऐसी ही पुलिस वालों की वीडियो दिखाएंगे जो अतरंगी हरकतें वाली होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार। और हाँ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके बताओ कि ऐसे झूमते हुए पुलिस वालों से आपकी कभी मुलाकात हुई है, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 दोस्तों, हमारी लिस्ट में आते हैं ये दमदार पुलिस वाले चचा। यार यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई साहब आराम से बैठे हुए अपने जूते उतार रहे हैं, लेकिन अभी रुकिए, इन जनाब की हालत बिगड़े हुए हैं। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? वाह बेटे, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई। ये जनाब तो मस्त जूते उतार कर सड़क को अपना बिस्तर समझकर लुढ़क पड़े। हाँ, क्या समय आ गया है यार। अब लगता है कि पुलिस वाले देश की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि देश पुलिस वालों की रक्षा करेगा। क्या लगता है आपको? नंबर 7 दोस्तों, आपने इन पुलिस वालों की टाइम मतलब पार्ट टाइम जॉब तो देखी होगी। क्यों नहीं देखी? अरे हम दिखा देते हैं। पार्क में बैठे हुए तोता मैनों की जोड़ी को परेशान करना और उनसे पैसे ऐंठना, यही तो है इनके पार्ट टाइम कमाई का जरिया। और तो और, जो प्रेमी जोड़ा इन्हें पैसे नहीं देता उनको ये घर वालों से बात कराने की धमकी दे देते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। लेकिन लगता है कि आज इन पुलिस वाले भैया की किस्मत सही नहीं है, तभी तो इनकी हरकत एक वकील साहब ने देख ली। फिर क्या था, जनाब की बोलती बंद हो गई। देखो भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप बताओ पहले आपका नाम क्या है? आप क्यों क्या पूछ रहे हो इनसे? क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? वैसे कर रहे हैं। वैसे कैसे मतलब? क्या वैसे आए हो? किस लिए? कोई चोर है ये? अरे चोर वाली को बात थोड़ी है। किस लिए उसका नंबर लिखा आपने? इनसे आपने इनका आगे इनका नंबर ले लिया किस लिए? है जी, मम्मी से बात कराओ। क्यों कराए बात मम्मी से? क्यों पूछा नहीं आप बताओ ना, क्यों कराए मम्मी से बात? आपके पास कौन सा सर्कुलर है? मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। एक लड़का एक लड़की के साथ घूमता है, क्या वो आवारागर्दी है? आवारागर्दी थोड़ी पूछ रहे भाई। तो किस बात में पूछ रहे हो? क्रिमिनल है? क्रिमिनल वाली कोई बात थोड़ी भाई। फिर यार भाई साहब, मैं वही अब तो ना मैडम के मुंह से ही जवाब, न सर के पास ही। यार सही बात है, घर में घर वालों के डर से बात ना करें और बाहर इन पुलिस वालों के डर से ना मिलें। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, आज की यूथ है। हाँ भगवान, ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
8, अब यार जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे भले ही आपको इन पुलिस वालों पर शर्म आए या ना, पर इस बात की गारंटी है कि आपके चेहरे पर बत्तीसी जरूर चमक जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं देखिए इन पुलिस वाले चचा को, भैया काफी ईमानदार हैं और वर्दी की शान रखने वाले अफसर हैं। अब बस थोड़ा उनके पैरों की जमीन को ज्यादा ही हिलडुल रही है, या हो सकता है कि उनके पैरों की बन नहीं रही है, तभी तो चचा इधर से उधर डगमगा रहे हैं। लेकिन चचा काफी होनहार पुलिस वाले हैं, देखा कैसे सावधान विश्राम कर रहे हैं। ओहो, क्या चचा तो घूमते घूमते धरती माँ के दर्शन करने चले गए। क्या चचा, आज लगता है आपने ब्रांड चेंज कर दी है, तभी ज्यादा मदहोशी छा रही है। पीछे मुड़, पीछे मुड़, आज को तो नहीं, आज को तो नहीं, एक दो तीन चार, पीछे मुड़, एक दो तीन चार, पीछे मुड़, आई आती है, आती है। चलो कोई ना, किसी न किसी ने तो उठाई लेना इनको। नंबर 9, दोस्तों आपने शराबियों या चोरों को पेड़ में बंधे हुए तो देखा होगा, लेकिन यहाँ का सीन तो कुछ अलग है। यहाँ तो भैया एक पुलिस वाले को ही बांध डाला। असल में इन जनाब को अपने किए की सजा मिल रही है, क्योंकि ये भाई साहब नशे की मदहोशी में किसी अनजान घर में घुस गए और वहाँ एक महिला को परेशान करने लगे। फिर क्या था, महिला है तो कोई भी परेशान करेगा। बांध दिया पेड़ से, अब बाहर निकालिए अपनी ख्वाहिश, क्या हुआ है? अंदर ही खत्म हो गई। अब तो भाई साहब का नशा भी उतरता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 10, दोस्तों अब हमारी लिस्ट में आए हैं ये पुलिस वाले भाई साहब जो इधर उधर से डगमगा रहे हैं। असल में आज इनके पैर की नहीं बन रही है। ओहो, टोपी भी गिर गई, लेकिन ये क्या, टोपी उठाते उठाते भाई साहब खुद ही लुढ़क लिए। कुछ तो गड़बड़ी है। असल में इन जनाब ने आज इतनी टिका ली है कि भैया इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। चलो ये कोई बात नहीं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि क्यों भाई साहब किसी चौकी के ऑफिसर हो, तो चचा को अपनी चौकी के भी कुछ खबर नहीं। कौन सी बता दी, कहाँ ड्यूटी है? अरे कौन सी थी चौकी, कौन सी सीन है, कौन सी है, कौन सी बटालियन में हो? क्या है, पुलिस बनेगा रे तू और क्या संभालेगा दुनिया। वेल दोस्तों, आपको ये बात हम क्लियर कर दें कि इस वीडियो में हम पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि हमने तो उन पुलिस अफसर्स की बात की जो खुद अपना मजाक बनाना चाहते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रहे। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।